हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम एस्पायरो कंपाउंड जो होता है उसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, जो कैसे हम एस्पायरो कंपाउंड को नेमिंग करते हैं। तो पहले एस्पायरो कंपाउंड होता है क्या था? एस्पायरो कंपाउंड वैसे कंपाउंड होता है जो एक कार्बन से जो डिफरेंट रिंग अटैच होता है, एक कार्बन से टू डिफरेंट रिंग जो अटैच होता है। जैसे ये एक रिंग है और ये एक रिंग है, ये दो रिंग एक कॉमन कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे? एस्पायरो कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसका? एस्पायरो कंपाउंड। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे क्या देख रहे हैं, जो दो रिंग है क्या है, दो रिंग एक कॉमन कार्बन से अटैच है, तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं एस्पायरो कंपाउंड। और इस यहाँ पे क्या होता है, ये जो कार्बन होता है इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज कार्बन। तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं? इसका नेमिंग और बाईसाइक्लो कंपाउंड का नेमिंग में क्या है डिफरेंस है? ये दोनों का नेमिंग अलग अलग टाइप से होता है। बाईसाइक्लो कंपाउंड का जस्ट इसका उल्टा है। तो इसका नेमिंग क्या करते हैं, जो नेमिंग करेंगे पहले हम छोटा वाला रिंग को नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, दोनों रिंग सेम में नेमिंग कैसे करते हैं? एस्पायरो कंपाउंड में जो ब्रिज हेड कार्बन है, तो ब्रिज हेड कार्बन का नेक्स्ट वाला कार्बन से नेमिंग करते हैं। क्या करते हैं? ब्रिज हेड कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन से नेमिंग करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर इसका हम नेमिंग करें तो क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसको? एस्पायरो। इसका नेमिंग कैसे करते हैं, ये तो हो गया नंबरिंग करना। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। उसके बाद लिखते हैं एस्पायरो। क्या लिखते हैं? एस्पायरो। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं? एक्स वाई। क्या लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर? एक्स वाई। ये क्या है? इंटीजर। उसके बाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। क्या लिखते हैं? सफिक्स प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। इस तरह नेमिंग करते हैं। तो इसका अगर हम नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, तो इस कंपाउंड को नाम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे इसका नाम? तो इसका नाम होगा क्या, इसका नाम होगा एस्पायरो। क्या लिखेंगे? एस्पायरो। यहाँ पे कार्बन का हम नंबरिंग देंगे, तो यहाँ पे 1, 2, 3 कितना कार्बन है? 3। इधर कितना है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, 3, 3, 3 लिखेंगे 3, 3, 3। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना कार्बन है, तो हेप्ट एन। क्या लिखेंगे? 3, 3 हेप्टेन। ये इसका नेमिंग है। इसका अगर नाम लिखें तो क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका क्या नाम लिखेंगे? एस्पायरो। क्या लिखेंगे? एस्पायरो। यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, इसमें भी क्या है? दो कार्बन। तो दो दो, उसके बाद इसका कितना कार्बन है, यहाँ पे पेंटेन है, तो क्या लिखेंगे? पेंटेन। तो ये एस्पायरो का नेमिंग है। तो कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इस तरह का कंपाउंड, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो यहां पे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एस्पायरो कार्बन का नंबरिंग। यहां पे कितना है? दो कार्बन है। क्या लिखेंगे? दो कार्बन। उसके बाद इसको इंक्रीजिंग वे में लिखना है। यहाँ पे कार्बन का नंबर पहले कम वाला, उसके बाद ज़्यादा वाला। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या लिखेंगे? 2, 5। और ये क्या है? ऑक्टेन। क्या है ये? ऑक्टेन। तो इस तरह हम नेम करते हैं एस्पायरो कंपाउंड का। जैसे एक और कंपाउंड लेते हैं यहाँ पे,
इसका हमको नेमिंग करना है, तो कैसे करेंगे? पहले हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे प्रीफिक्स में क्या है? क्लोरो है। क्या प्रीफिक्स में क्या गया? जो सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रीफिक्स के रूप में आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू क्लोरो अस्पायरो। क्या लिखेंगे? टू क्लोरो अस्पायरो। उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कार्बन का नंबर देखेंगे, तो 1, 2, 3, 4 चार है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 तो क्या लिखेंगे? 4, उसके बाद 5। उसके बाद ये क्या है? ये डेकेन है। ये क्या है? डेकेन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेकेन। ये इसका नोमेन, ये इसका नेम है। उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन देते हैं। लो तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बेटर क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। इस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका अगर नेमिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब इसका नेमिंग करें तो जो प्राइम जो प्रीफिक्स में उसको लिखेंगे, तो प्रीफिक्स में क्या लिखाएगा? टू मिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे? ये एस्पायरो लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? एस्पायरो। और कार्बन का नेमिंग 1, 2, 3, 4 चार है, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 तो क्या लिखेंगे? 3, 5। उसके बाद यहाँ पे क्या है? दो डबल बॉन्ड है, और कहाँ कहाँ पे है? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे है और सिक्स पोजीशन में। यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन और सिक्स पोजीशन में। तो क्या लिखेंगे? डेक, उसके बाद 1, 6, 9 ये इसका नेम होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछने जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन अच्छा पूछना है तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन सिंपल वे में हमको नेमिंग करने का रूल्स पता होना चाहिए कैसे नेमिंग करते हैं। तो बाईसाइक्लो में क्या करते हैं? बाईसाइक्लो में इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, उसमें लार्ज रिंग को नेमिंग करते हैं पहले, उसके बाद हम करते हैं स्मॉलर रिंग को। उसके इसमें क्या करते हैं? पहले स्मॉलर रिंग को, उसके बाद लार्ज रिंग को करते हैं। यहाँ पे जो लिखते हैं पहले, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं? उसमें क्या लिखते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ये अगर बाईसाइक्लो रहता तो यहाँ पे क्या करते हैं? 5 और 3, लेकिन ये बाईसाइक्लो नहीं है तो क्या करेंगे इसको? 3 और 5। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो बाईसाइक्लो और स्पायरो दोनों का नोमेनक्लेचर बता दिए हैं।